आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 11 साइंस क्लास 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है हमारी ये। चीजों को मार्क करते हुए चलेंगे। हाँ, तो हाइलाइटर ले लेते हैं। वर्कशीट 11 है हमारी, ठीक है। टॉपिक है अम्ल क्षारक और लवण। ध्यान से सुनना है आपको, अम्ल क्षार और लवण, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है ये देखिए। अम्ल और क्षार के बीच में, अम्ल क्षार हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके बीच में जो अभिक्रिया होती है, दोनों के बीच में दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी और लवण और जल बनेगा तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्षार जमा अम्ल एरो लवण जमा जल। जैसे NaOH देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है और अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। HCl ये एक लवण बना रहा है और प्लस में जल आ रहा है। दूसरी बात, सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, कि जो अम्ल हैं वो अगर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, या हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, H+ आयन बोलते हैं जिसको। ध्यान रहे, जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो H+ आयन आपको ये याद रखना है, जो क्षार जल में घुल जाते हैं। अब क्षार के बारे में बात हो रही है, क्षारक यानी उन्हें क्षार कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए ये है हमारे पास कि यहाँ पे अम्ल दिखाया है, इसको लिखा है H+ MOH, ठीक है। तो इसमें जो ये H और H है, OH, H और OH ये मिलके HOH यानी H2O बन जाता है, वाटर जल, और XM कोई लवण है, ये नाम है, मतलब हमने मान लिया। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं इसके अंदर कि अम्ल और क्षार मिलके लवण, कोई भी एक लवण और जल बनाते हैं। अब आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच स्केल पे, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, पीएच स्केल क्या होता है, एक स्केल है, एक पैमाना है, आप इसे देख सकते हैं। एक ऐसा पैमाना है जिसपे 0 से 14 तक की गिनती पाएगी आपको, और इस पैमाने से पता चलता है कि कोई चीज अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का है, कैसी प्रकृति का है। तो अम्ल और क्षार की शक्ति को जानना है, यानी उसमें H+ आयन या OH- आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं अम्ल और क्षार शक्ति, ठीक है। अगर H+ आयन को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, यानी जो अम्ल बहुत ताकतवर होगा, पावरफुल होगा, उसमें H+ आयन ज्यादा होगा, और कम आयन जो उत्पन्न करते हैं वो अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी हमने दो चीजें पढ़ ली इसके अंदर, एक प्रबल अम्ल यानी जिसमें H+ आयन की मात्रा ज्यादा है, और दूसरा दुर्बल अम्ल जो H+ आयन कम उत्पन्न करता है। अब किसी भी विलयन में अगर H+ आयन की सांद्रता ज्ञात होगी तो हम पैमाने से देख सकते हैं, यानी रिक्टर स्केल। ये पीएच क्या होता है, पीएच एक तरह का स्केल है, पैमाना है, जिसमें हम ये जान सकते हैं कि H+ आयन कितना ज्यादा है किसी भी चीज में, किसी भी घोल में, या कितना कम है। तो पीएच स्केल का हमें समझ में आ गया हमें क्या करना होता है, ठीक है। H+ आयन की शक्ति को बताता है ये पीएच, ठीक है, पावर ऑफ एच, एच मीन्स हाइड्रोजन, तो उसको बताता है ये पोटेंशियल पावर शक्ति, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये उसका सूचक है। अब कुछ पदार्थ अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारीय होते हैं, हमें ये पता है, तो उसमें एच आयन, जो H+ आयन है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो पीएच आयन से हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से आयन क्या है अम्लीय, कौन कौन से जो हमारे जो भी हैं पदार्थ हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के हैं यानी विलयन, और कौन कौन से क्षारीय प्रकृति के हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें 7 नजर आ रहा है, 7 न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल यानी कि ना उसमें अम्ल की ज्यादा होता है ना ही उसमें क्षार होता है। तो 7 पीएच स्केल किसका मान होता है,
सेवन पीएच स्केल जो है शुद्ध जल का मान होता है, ये नजर आ रहा है शुद्ध जल का, ठीक है। और उसके पास ही ब्लड होता है, ब्लड यानी रक्त 7.5 यानी 7.4, तो ये 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो खून है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ना कि थोड़ी सी अम्लीय, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पीएच स्केल पे आप उल्टे हाथ पे जाएंगे, आप उल्टा हाथ देखिए इसी से, यानी 7 से कम की तरफ जाएंगे तो जान लीजिए कि कोई भी विलयन है वो अम्लीय प्रकृति का होगा, और 7 से ज्यादा जाएंगे, 7 से यानी 14 तक जाएंगे हम इधर जाएंगे, तो ये हमारा ये जो सीधी लाइन है यहां तक, ये क्या है क्षारीय प्रकृति का है। यानी हम ये कह सकते हैं 0 से 7 में अम्ल आता है, उसमें भी 0 से लेकर 3 साढ़े 3 तक जो है ज्यादा प्रबल अम्ल है, और उसके बाद 3.5 से लेकर 4 से लेकर 7 तक जो है कमजोर अम्ल है। यानी H प्लस की ताकत इस तरफ ज्यादा होती है अम्ल की तरफ, और H प्लस आयन जो है वो क्षार की तरफ कम होता है, यानी 7 से 14 तक की प्रवृत्ति क्या है हमारी क्षारीय प्रकृति है। क्लियर हो रहा है, इस टेबल में आप देख सकते हैं, यहाँ जठर रस दिख रहा है, हमारे पेट में पाया जाता है, इसमें उसमें अम्ल प्रकृति ज्यादा होती है। नींबू का रस उस अम्ल होता है, उसका दे रखा है पीएच वैल्यू कितनी है, पीएच वैल्यू आपको याद करनी है शुद्ध जल की, रक्त की, इसके अलावा आपके जो है ये हैं, ये सारे क्षार हैं, क्षार के इनकी प्रकृति देखिए सब याद करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब जो है NaOH 14 है, सबसे ज्यादा क्षार इसके अंदर होता है, H प्लस कम होता है इसमें, सबसे कम होता है। तो ये सब हमें यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं जलीय विलयन में पूर्णता, प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होता है, दो अंतर हैं। तो प्रबल अम्ल वो होते हैं जो कि जलीय विलयन में पूर्णतः 100% वियोजित हो जाता है, और ये उस विलयन में 100% वियोजित यानी नहीं हो पाता है, और अपूर्ण रूप से H प्लस आयन देता है, ये H प्लस आयन इसमें ज्यादा होता है, इसमें H प्लस आयन कम होता है, और एक इसका एग्जाम्पल, आप ले सकते हैं, ठीक है। अब प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में क्या डिफरेंस है, इसमें बता सकते हैं कि जलीय विलयन में पूर्णता वियोजित हो जाता है, ये पूरी तरह से मिल सकता है, और ये आंशिक रूप से, इसमें OH माइनस आयन यानी, ठीक है, OH माइनस आयन देता है, प्रबल होगा तो ज्यादा मात्रा में निकलेगा और दुर्बल है तो कम मात्रा में उसकी सांद्रता होती है, और एक एक एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, चलिए अब क्वेश्चन को बहुत आराम से ध्यान से समझते हैं कि आपके पास हाइलाइटर ले लेते हैं, हाइलाइटर तो हो गया, हम पेन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी दो विलयन है, ए का पीएच मान 6 है, 6 यानी कि 7 से कम ध्यान रहेगा, और बी का पीएच मान है 8 यानी 7 से ज्यादा, तो हमें बताना है इन दोनों में किसकी विलयन H प्लस आयन सांद्रता अधिक है, बताइए H प्लस किस में ज्यादा होता है, अम्ल में कि क्षार में। सबसे पहले हम देखिए 7 से कम है तो अम्ल है, और 7 से ज्यादा है तो क्षार है, तो अम्ल में ज्यादा होता है H प्लस, हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ H प्लस जो है अम्ल में ज्यादा होता है, ठीक है, तो किस में ज्यादा होगा, A वाले में, यानी हमारा आंसर होगा A का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड है कि ऊपर दिए प्रश्न में विलयन की प्रकृति अम्लीय है कि क्षारीय है, यानी हमें बताना है कौन सा अम्लीय कौन सा क्षारीय है, तो हम बताएंगे ए वाला, ये ए वाला तो अम्ल है, ठीक है, और जो बी वाला है क्योंकि इसका पीएच 8 है, 7 से ज्यादा है, तो ये हमारा क्षार है। क्लियर हो गया, ये एरो लगा दिया हमने, तो ये हमारा आंसर है, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, यानी हल्का अम्लीय होता है, 7 से कम ही है, बहुत कम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो दही में बदलता है तो दही अम्ल हो जाता है, तो ये पूछ रहा है पीएच किस प्रकार में परिवर्तन होगा, तो हम बताएंगे पीएच अम्ल हो जाएगा, बहुत मतलब प्रबल अम्ल हो जाएगा, वो प्रबल अम्ल हो जाएगा, तो ये आंसर इसका तीसरे का आंसर होगा। क्लियर हो रहा है, तो हम बताएंगे जब ताजा दूध दही में बदलता है तो प्रबल अम्ल बदलता है, यानी दही की अम्लता ज्यादा होती है, 6 से कम होती जाएगी ना, दूध 6 से कम, पीएच मान 6 से कम चला जाएगा, तो अम्लीय प्रकृति का हुआ। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, दो प्रबल अम्ल है और दो प्रबल क्षार है, उनके नाम बताने हैं, बहुत ही इजी है। दो प्रबल अम्ल आप यहां से ले सकते हैं HCl H2SO4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है, और दो प्रबल क्षार क्वेश्चन नंबर 4 का ये भी आंसर है, ठीक है, क्लियर हो रहा है।
तो यहां से आप ये दो ले सकते हैं और यहां से भी ये दो ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ओ एच वाले क्षार होते हैं और ये हाइड्रोक्लोरिक है, H2SO4 है, HNO3, ये अम्ल है, प्रबल है, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। शुद्ध जल, आगे क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। देखिए 7 है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, हम बताएंगे ना ये अम्ल है ना ही ये क्षार है, तो हम यहां लिख देंगे कि ना तो ये अम्ल है, ठीक है, ना अम्ल है और ना ही क्षार है। बहुत इजी है, आराम से आप लिख सकते हैं, मुझे इससे लिखने में दिक्कत आ रही है लेकिन आप आराम से लिख सकते हैं। तो हम बताएंगे, अब ये बात आपको समझ में आ गई, 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति है, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय प्रकृति है किसी भी विलयन की, और 7 है तो ना ही वो अम्ल है ना क्षार है, वो उदासीनीकरण है यानी न्यूट्रल है। इस तरह से हमारी ये वर्कशीट फिनिश होती है। होप आपको वीडियो समझ में आएगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। गुड बाय।